संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर समूचा राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के चौड़ा मैदान अंबेडकर चौक पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने फूलमाला अर्पित कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। उनके साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह व स्थानीय विधायक हरीश जनार्था सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का व्यक्तित्व बहुत आयामी था और देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच थी, जो आज के समय में पूरी हो रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के संविधान का निर्माण कर नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताया है। देश आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वैसाखी पर्व की भी देश और प्रदेश वासियों को बधाइयां दी। देखिए, संविधान निर्माता, संविधान की संरचना करने वाले बाबा साहब अंबेडकर जी की आज जयंती है। इस पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब देश आजाद हुआ, उसमें जो संविधान सभा बनी, उसमें बाबा साहब अंबेडकर को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो उन्होंने अपने अनुभवों को महसूस करते हुए ये पाया कि समाज को एक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। एक समय ऐसा था कि वो बॉम्बे के कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे थे, उनको कॉलेज से एडमिशन लेने से भी मना कर दिया था। आज 75 साल बाद जब देश आजाद हो चुका है, आज लगता है कि एक समान की उनकी जो नीति थी वो कारगर सिद्ध हुई है। और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की इस जयंती पर सभी को, हिमाचल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पहली बार चीन सीमा के साथ काजा में हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ताकि सरकार दूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं को भी जान सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का एक समान विकास करवाना सरकार का लक्ष्य है। बेशक प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बाकी का त्यौहार हर्ष और उल्लास का त्यौहार है। हर्ष और उल्लास के त्यौहार में आज नई फसल के का समय होता है, कटाई का समय होता है, और इस समय ये त्यौहार हमारी जो देव भूमि संस्कृति है उसमें बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। इस मौके पर भी सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। 75 साल बाद पहली बार चाइना के बॉर्डर में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का काजा क्षेत्र है, जहां हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार हम ये सोच बनी कि समाज के दूरवर्ती क्षेत्रों में जो लोग हमारे रहते हैं, समाज के जो लोग रहते हैं, उनको भी जो हिमाचल की संस्कृति है, वैसे तो वो हिमाचल की संस्कृति के भाग है, लेकिन हिमाचल की संस्कृति और हिमाचल की पूरी सरकार को और मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर आज पहली बार काजा में हिमाचल दिवस मनाने का मौका मिला है। मैं काजा वासियों और प्रदेश वासियों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वहीं से चाइना बॉर्डर की कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन काजा वासियों की जो समस्याएं हैं, काजा वासियों की जो मूलभूत समस्याएं होगी, उसके बारे में भी मुझे वहां 2 दिन रहकर जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। निश्चित तौर पर हम हिमाचल प्रदेश के हरेक क्षेत्र में समान विकास करवाना चाहते हैं। बेशक हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बच्चों को न्यूज डेस्क एंड वन लाइव।